दर्शन जी भाई साहब राम राम जी। राम राम जी भाई साहब राम राम। जय गो माता भाई साहब। जय गो माता जय गोपाल। कितनी गायें दिखाओगे जी आज इस वीडियो आज में? आज की वीडियो में 8 गायें हैं जी। 8 गायें? हाँ जी व्यूअर्स, 8 गायें हैं और 8 की 8 गायें सिलेक्टेड है। हाँ जी दर्शन भाई साहब से पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने जैसे गाय देखी है, एक एक गाय के बारे में डिटेल ली है भाई साहब से, और डिटेल जानकर मैं निश्चित आप मानिए कि चौंक गया हूँ। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत गायें हैं, क्वालिटी वाली साहिवाल है। आज के वीडियो में क्वालिटी वाली तो भाई साहब की हर गाय रहती है हर बार के वीडियो में, लेकिन आज कुछ एक दो स्पेशल क्वालिटी वाली गायें भी है। स्पेशल है। कंप्लीट डिटेल जानेंगे जी आपसे। सबसे पहले आपका यहाँ का एड्रेस बता दीजिए जी। अपना गांव बालासरा जी, तहसील रानिया। हाँ और डिस्ट्रिक्ट सिरसा है। ठीक है जी। स्टेट हरियाणा है। ठीक है भाई साहब। सिरसा से अपना गांव 30 किलोमीटर है जी। 30 किलोमीटर है सिरसा से? हाँ, इधर डबोवाली से 60 किलोमीटर है। हाँ डबोवाली भी फेमस सिटी है। हाँ जी हाँ जी। और सिरसा भी फेमस सिटी है। हाँ जी हाँ जी। दोनों से लगभग बीच में ही है। हाँ हाँ। 30-40 किलोमीटर के रेंज में ही है। हाँ हाँ। हरियाणा का स्टेट है जी। हरियाणा के स्टेट में है। हाँ जी हाँ जी। मोबाइल नंबर ही दे दो जी भाई साहब। मोबाइल नंबर अपना 9885-44772 है जी। ठीक है जी। लगभग 80% से ज्यादा दर्शक तो आपके नंबर जानते हैं। हाँ जी हाँ जी। क्योंकि आप रेगुलर पिछले 3-4 साल से वीडियो लगवा रहे हो। हाँ, 4-5 साल हो गए रेगुलर काम चल रहा है। रेगुलर पब्लिश हो रहे हैं ये वीडियो। हाँ जी हाँ जी। तो भारत के कोने कोने में हर गांव के अंदर लगभग आपके नंबर पहुंच चुके हैं। बहुत दूर दूर तक फोन आते हैं जी। गायें भी बहुत पहुंच चुकी है। पाकिस्तान से काफी फोन आते हैं लेकिन पाकिस्तान में गायें जाती नहीं है। जाती नहीं है वो पाकिस्तान वाले, तो इसलिए पूछते हैं जी साहिवाल उनके यहाँ ऐसी नहीं रही है। ये वो बोलते हैं ऐसी गायें आप लाते हो कहाँ से? लाते कहाँ से हो क्योंकि वहाँ साहिवाल बची नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में हमारी गायें चाहे कोई डबल पेमेंट दे तो भी नहीं जाएगी। तो भी नहीं भेजेंगे? नहीं भेजते जी। नहीं भेजेंगे? हाँ जी। पाकिस्तान में भी नहीं भेजेंगे और भारत के अंदर भी कुछ एक दो स्टेट ऐसे हैं। हाँ, नहीं भेजते। जान नहीं भेजनी चाहिए। मेरी ज्यादा गायें जी अपनी गोमाता होगी, हरियाणा हो गया, दिल्ली होगी, यूपी होगी और पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में कई अच्छे आदमी अपने से लिंक है, काफी उनके पास जा रही है अपनी गायें। अच्छा जी। हाँ जी। वहाँ तक डिलीवरी आप करवा देते हो? हाँ हाँ। तो आज तक आपने लगभग अंदाज से कितनी गायें बेच दी होगी जी? पता नहीं जी, काफी गायें बेच दी। काफी गायें बेच दी। हाँ। तो हजारों की संख्या में होंगी। देखो जी डेली की अपनी 5-7 गायें डेली रूटीन में सेल होती है। सेल होती है। 5 गायें की एवरेज निकल जाती है। हाँ, 5 गायें की एवरेज निकल जाती है। 5 गायें डेली निकलती है। तो लगभग ये तो जी 6-7 हजार के आसपास गायें होगी। हाँ, काफी गायें जाती है। तो लगभग स्टेट में गायें भिजवा चुके हो आप? हाँ, लगभग सारी जगह। ठीक है जी भाई साहब। आज के वीडियो में जो गाय देख रहा हूँ इसमें 2-3 गायों में आपने क्वालिटी बताई थी। एक तो ये जो लास्ट में काली गाय खड़ी है। हाँ जी हाँ जी। ब्लैक कपिला। और एक ये इधर स्वर्ण कपिला। तो आज के वीडियो में दो तो ये खास है जी। ये तो स्पेशल है जी। ये दोनों तो स्पेशल है ही। हाँ। और इसमें 2 गायें और देखी थी जी मैंने ज्यादा स्पेशल वाली। दो एक गायें ये पीछे तो आपके साहिवाल थी। हाँ, ये स्पेशल गायें ढूंढने से नहीं मिलती। हाँ जी, ऐसी आज लेके आए हो? हाँ, ऐसी चीज मिलती है अपने पास। तो इनको देखेंगे जी। अभी व्यूअर्स आप देख पा रहे थोड़ी गाय दिखाई दे रही है लेकिन पूरी गाय को कवर करेंगे। और एक ये इधर ये बड़ी वाली साहिवाल खड़ी है जी। हाँ जी, ये भी स्पेशल में ही है। स्पेशल है। कंप्लीट डिटेल लेंगे जी भाई साहब आपसे, एक एक करके गाय दिखाई जी आपकी। सबसे पहले ब्लैक कपिला देखते हैं। हाँ जी, ब्लैक कपिला देखते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब इसी के बारे में डिटेल दे दो जी। ये पहले भी आते हैं, ब्लैक कपिला साहिवाल है जी। साहिवाल नस्ल है? हाँ, प्योर साहिवाल है। प्योर साहिवाल है। हाँ जी। और कलर भी प्योर ब्लैक है? प्योर ब्लैक, बिल्कुल जेड ब्लैक है। हाँ जी। ये धूप की वजह से चमक अधिक आ गई है तो थोड़ी लाल दिखाई दे रही है। हाँ जी हाँ जी। अगर ये छाया में खड़ी होती तो बिल्कुल जेड ब्लैक कलर में, बिल्कुल जेड ब्लैक, मतलब काला रंग भी शर्मा जाए। बिल्कुल काले सांप की तरह है जी। काले सांप तो सभी ने देखा है। काले सांप की तरह सभी ने देखा है। तो कंप्लीट डिटेल दे जी। दूध का रिकॉर्ड भी बता दो। अभी पहली बार बच्चा दिया है जी। अभी 3 दिन की ब्याई है। हाँ, नीचे भी ब्लैक बछड़ी है। अच्छा, इसके साथ भी बछड़ी है? ब्लैक बछड़ी है वो भी। ब्लैक बछड़ी? हाँ, है। पहले भी अंत में 3 ही दिन की ब्याई हुई है। तो खीस कितना निकाला है जी? अभी 10 लीटर खीस निकाली है जी, तैयार है। 10 लीटर खीस रेडी है? रेडी है जी। तो अगर कोई मिल्किंग देखना चाहे तो 10 लीटर की? हाँ, मिल्किंग करवा के देंगे जी। करवा के दे दोगे? 2-3 टाइम मिल्किंग करके लेके जाए अपने हाथ से। हाँ, साथ साथ आपको चलाकर भी दिखा रहे हैं। खूबसूरती देखिए, लाजवाब है। हाँ जी। फेस देखिए कैसा शानदार, शांत सरल स्वभाव। हाँ जी, फेस से भी पता चल रहा है। हाँ हाँ। दूध कितना बना लेगी जी इस ब्यांत में? ये देखो जी, इस ब्यांत में 13-14 लीटर दूध निकाल देगी। 13-14 लीटर दूध निकाल देगी। 6.5-7 लीटर। क्यों, अभी जिसने 3 दिन की ब्याई 10 लीटर खीस तैयार कर ली है। हाँ, दूध तो क्षमता तो आने वाले दिन में बनेगी। हाँ, 15 दिनों के अंदर दूध क्षमता तैयार होती है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, कीमत भी साथ साथ शेयर कर दो जी भाई साहब।
कीमत इसकी 80,000 रुपए है जी। 80,000 रुपए? हाँ जी। 80,000 रुपीज? 80,000। ब्लैक कपिला के लिए? ब्लैक कपिला। ठीक है जी। हाँ जी, कुछ इसमें मान सम्मान की गुंजाइश है जी? हाँ, मान सम्मान हो जाएगा जी। हो जाएगा? हाँ। ठीक है जी। दो नंबर पे गाय है जी, ये भी बता दो। हाँ, वैसे तो काला सोना है। काला सोना है? हाँ, मिलता ही नहीं है। मिलता कम है। हाँ। शौकीन जो है ब्लैक के? हाँ, ब्लैक के शौकीन है। और वो भी साहिवाल के अंदर? हाँ, देखो जी, पूरी डेयरी के अंदर एक ब्लैक गाय होनी चाहिए। एक ब्लैक गाय होनी चाहिए? हाँ। क्यों जी? क्यों, साहिवाल की जितनी भी गाय रेड होती है, रेड के अंदर एक गाय होती है ना ब्लैक। हाँ। तो हमारे पुराने मान लो दादा परदादे या पुरखज है, वो भी मानते हैं भाई काला रंग होता है उसमें नजर नहीं लगती। नजर नहीं लगती? हाँ जी। तो साहिवाल के अंदर एक काली साहिवाल होनी चाहिए? काली साहिवाल होनी चाहिए। और घर में पाली भी हो तो एक ही हो चाहे? हाँ, एक ही हो, अच्छी होनी चाहिए। वो भी काली होनी चाहिए? काली होनी चाहिए। काली होनी चाहिए ताकि घर में ही नहीं नजर घुसे। नजर नहीं लगती इनको? नजर नहीं घुसे। हाँ जी। ठीक है जी, ये दूसरे नंबर पे गाय है, इसी की डिटेल दे दो जी। ये भी पहली बार की है जी? ये भी पहली बार की है? हाँ, पहला ही ब्यांत है। दोनों पहले ब्यांत वाली जोड़ी लगाई है? हाँ, दोनों पहले ब्यांत की है जी। पहले ब्यांत वाली जोड़ी पहली बार में दिखा रहे हैं भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। कंप्लीट डिटेल दीजिए जी। ये पहली बार बच्चा देगी जी। अभी कितने दिन ले लेगी? अभी 10-15 दिन ड्यू है जी। 10-15 दिन ड्यू है? हाँ जी। ठीक है जी। हाँ, तो ऑर्डर तो और अच्छा भरेगी? ऑर्डर बनाएगी जी अभी। हाँ हाँ, अभी ऑर्डर देख पा रहे हैं आप भाई साहब, सहला रहे हैं पहले ब्यांत के अंदर, थनों पर हाथ लगाने दे रही है गाय, तो स्वभाव की परख तो आप खुद कीजिए। बिल्कुल शांत है, सिर्फ मेरे कहने से नहीं कि स्वभाव सरल है, खुद देखिए। खुद देखिए, पहले ब्यांत में है तो आगे भी अगर कोई देखना चाहे तो इनका स्वभाव परखा जा सकता है। ठीक है, कितने दूध वाली है जी ये? ये देखो जी, 12-13 लीटर दूध निकालेगी। 12-13 लीटर दोनों टाइम का मिला के पहले ब्यांत में निकाल देगी। ठीक है जी भाई साहब, इसकी भी कीमत शेयर कर दो जी भाई साहब। कीमत इसकी 45,000 रुपए फिक्स है। 45,000 रुपए? 45,000 रुपीज? हाँ जी, हाँ जी। ये फाइनल वाला मोल है? ये फाइनल है, इसमें कोई जो होगा रस्से के साथ छूट ही होगी। रस्से के साथ जो मान सम्मान वाली छूट है? मान सम्मान ही होगा जी। ठीक है जी भाई साहब। हाँ, बहुत शानदार है जी। देखिए स्वभाव की परख भी कीजिए, एक एक गाय का स्वभाव भी भाई साहब परख कर दिखा रहे हैं साथ साथ। पहले ब्यांत की है जी? पहले ब्यांत की है। हाँ जी, तभी तो ये अजब गजब है जी। पहले ब्यांत में ऐसा स्वभाव बहुत ही मुश्किल मिलेगा। हाँ हाँ, पूंछ की लंबाई, सिंगों की बनावट शेप, थन ब्लैक और खुद का स्वभाव ठंडा। हाँ जी। तीसरे नंबर पे गाय है, ये भी भाई साहब की देख लेते हैं। छोटे सिंग भी है जी? छोटे छोटे सिंग है। हाँ। माथे का शेप और साथ में खुद की सरलता, बिल्कुल सारे गुण घर में पालने लायक गाय। हाँ, वाले सारे गुण संपन्न है। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे गाय है जी, ये भी दिखा दो। ये भी पहली बार की है जी? ये भी पहले ब्यांत में? हाँ, पहले ब्यांत की। पूंछ उठा ली है जी, जैसे ही आपने हाथ लगाया शरीर पे पूंछ उठा ली है। हाँ। पहले ब्यांत के अंदर इस तरीके के स्वभाव वाली घर में पाले गाय। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यही तो 20-20 ब्यांत तक दूध देने वाली है, तो पहले ब्यांत वाली ले जाए 20 साल के लिए दूध की, तो घर में खरीद के लेके आने वाली छुट्टी। हाँ जी, तो खरीद के लाने की तो जरूरत नहीं है जी। हाँ, पहले ब्यांत की जो भी कस्टमर लेता है वैसे तो खुश होके लेता है। हाँ, खुश होके लेता इसमें, है। इसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है? कोई मिलावट नहीं है, कोई खोट नहीं है। हाँ जी। स्वभाव की भी बड़ी जबरदस्त है। हाँ, पहले ब्यांत में ये पैरों पे रस्सी बांधते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, क्वालिटी देखो जी, क्वालिटी लाजवाब है। ब्रीड करेक्टर्स बड़े खूबसूरत है, गाय का स्वभाव भी शानदार है। हाँ। दूध क्षमता भी भाई साहब से जान लेते हैं, कितने दिन लेगी? 100% शुद्ध साहिवाल है जी। शुद्ध साहिवाल है। ब्याने में कितने दिन ले जाएगी? ब्याने में अभी 15-20 दिन ड्यू है जी। 15-20 दिन और ड्यू है? हाँ जी, 15-20 दिन और ले लेगी। हाँ जी, हाँ जी। बिना सींग वाली है ये भी? बिना सींग की। तो ये तीनों ही आपकी शुरुआत वाली पहले पहले ब्यांत वाली है? हाँ जी, तीनों ही घर में पालने लायक है। ठीक है जी, कितने दूध की बताइए जी? ये दूध 14 लीटर निकाल देगी जी। 14 लीटर? 7 लीटर एक टाइम का? हाँ, क्योंकि इसका जो मदर रिकॉर्ड है ना। हाँ, बहुत अच्छा है जी। 18 लीटर दूध पहले ब्यांत में निकाला है उसने। अच्छा। हाँ जी। और कीमत क्या रखोगी जी इसकी? कीमत इसकी 80,000 रुपए जी। 80,000? हाँ जी। 80,000 रुपीज? 80,000। गाय आपकी ऐसी गर्मी में भी ठंडी ठंडी रहती है, ये बड़ी खूबी है। चाहे कैसे मर्जी बालक नीचे बैठ जाए तो गाय पैर नहीं हिलाएगी जी। पैर नहीं हिलाएगी गाय, हकीकत में ऐसी रखनी चाहिए घर में। घर में रखें तो गाय ऐसी ढूंढ के लेके जाएं, ढूंढ के। और ये ढूंढने वाला काम तो वैसे आपने बंद ही कर दिया है, खुद ढूंढने लग गए हो। तो ग्राहक को तो ढूंढने का काम तो मेरा है जी, ढूंढने का काम तो आपका ये है। तो ग्राहक को दे रहे हैं, अभी आके खुद लेके जाओ, देख के आ जाओ, तसल्ली के लिए एक बार। और तसल्ली के लिए भी खुद आ जाए, जो ब्याई भी उनका दूध निकाल के देख लेंगे, यही तसल्ली है। जो ब्याई है उसका दूध निकाल के देखो, प्रेगनेंट है ज्यादा कच्ची है तो उसकी प्रेगनेंटी चेक कराओ। हाँ, प्रेगनेंसी। हाँ, और ये जो तैयार ऑर्डर वाली है इनकी तो तैयार है, उनका तो पता चल जाए, जरूरत ही नहीं है, ये तो परेशान हो
होना और करना दोनों ही नहीं चाहिए। 15-20 दिन में बच्चा दे देगी। ठीक है जी, चौथे नंबर पे गाय है जी, इसकी कीमत भी बता दो जी। 80,000 रुपए जी। 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। हाँ जी हाँ जी। सवा और पहला ब्यांत 80,000 रुपए दे के आप 20 साल की दूध घी की छुट्टी बाजार से लाने की। हाँ, 20 साल की, 20 साल की छुट्टी, क्योंकि पहले ब्याह में तो ये अभी है। A2 क्वालिटी मिल्क पियो, बच्चे लगभग 20 साल तो ब्याती ब्याती है। 20 बार तो, 20 बार ब्याती है जी, 20 बार तो ब्याई जाती है। आम ब्या जाती है 20 बार, आम ब्याती है जी, ज्यादा भी चली जाती है। टाइम से प्रेगनेंट होती रहे तो 20 साल 20 बार से भी ज्यादा। हाँ हाँ ब्याती है जी। ठीक है, चौथे नंबर वाली गाय बता दो जी। ये भी साहिवाल प्योर है जी। ये भी प्योर साहिवाल है। हाँ जी, साहिवाल ब्रिड की है। ये भी बिना सींग वाली जी। हाँ हाँ, बिना सींग की, बिना सींग वाली है, बिना सींग की है। और कंप्लीट डिटेल इसकी भी जानते हैं। और भाई साहब ऑर्डर पर हाथ फेर कर दिखा रहे हैं सभी गायों के, लगभग लगभग ऑर्डर पर हाथ फिराए हैं। तो आप इसके स्वभाव को देखिए, गजब के स्वभाव वाली गाय है। स्वभाव की परख भाई साहब की बहुत शानदार है। ये देखो ऑर्डर, अभी तो ऑर्डर और बनाएगी जी। हाँ, अभी तो ये जो चमड़ी सलवटे दिख रही है ये भी और खुलेगी। हाँ, ये खुलेगी। ऑर्डर तो बहुत भयंकर टाइट हो जाता है जी। हाँ, जैसे ब्याह के दिन नजदीक आते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, कंप्लीट डिटेल भाई साहब से लेते हैं, साथ ही चलाकर भी दिखा रहे हैं गाय। कौन सा ब्याह है ये इस गाय का? ये अभी तीसरी बार बच्चा देगी जी। तीसरी बार बच्चा देगी? हाँ, तीसरी। दो बार पहले ब्याह चुकी है? दो बार ब्याह चुकी है। तो दो बार, दूसरी बार जो ब्याही है उसमें दूध कितना रखा है? दूसरी बार में 18 लीटर दूध दिया जी। 18 लीटर दोनों टाइम का मिला? दोनों टाइम का 18 लीटर दूध दिया है। इस बार कितना निकलवाएगी जी? अच्छी परवरिश करेगा तो 1-2 लीटर तो फालतू ही देगी जी। 20 लीटर तक जा सकती है? हाँ जा सकती है। इतनी उम्मीद है? 20 लीटर तक की उम्मीद है? क्योंकि गाय बहुत अच्छी है। दूध क्षमता की उम्मीद भाई साहब कर रहे हैं। हाँ, थन काफी शानदार है। ये देखो ऑर्डर का, मोटे मुठिया थन है। हाँ जी, ऑर्डर देखिए क्या जबरदस्त ऑर्डर है। हाँ, शानदार ऑर्डर है। देखो कीमत भी भाई साहब से जान लेते हैं, कीमत क्या रखोगे जी? कीमत इसकी 1,15,000 रुपए जी। 1,15,000 रुपए। हाँ जी, अब तो बिल्कुल तैयार है। तैयार है बिल्कुल, थोड़े ही दिन में बच्चा दे देगी। हाँ। तो ज्यादा परवरिश वाली तो इसमें है ही नहीं। 5-7 दिन के अंदर बच्चा, 5-7 दिन में ही बच्चा दे देगी। परवरिश तो करने की अब जरूरत ही नहीं है, परवरिश तो हो चुकी है। हाँ हाँ। सिर्फ इंतजार करना है ब्याने का। हाँ जी हाँ जी, ब्याने का इंतजार करना है और दूध निकालना है। ठीक है जी भाई साहब, बहुत अच्छी गाय है जी। हाँ जी, बहुत ठंडी और बहुत शांत स्वभाव की गाय है। ठंडी है? हाँ, ठंडी तो आपकी लगभग सभी गायें रहती है जी। हाँ जी, पूंछ देखो धरती को टच कर रही है जी। पूंछ जमीन को टच कर रही है। साहिवाल नस्ल की प्योरिटी की निशानी है। प्योरिटी बिल्कुल 100%, 100% प्योरिटी है, शुद्ध मिलेगी। नस्ल की शुद्धता 100% की भाई साहब बता रहे हैं। ये देखो आप खुद परख कर सकते हैं। ठीक है जी, अगली गाय है 5 नंबर पे। हाँ, इसकी भी डिटेल दे दो जी। ये स्वर्ण कपीला है जी। ये स्वर्ण कपीला है? हाँ। तो स्वर्ण कपीला सींग झुके हुए हैं? सींग झुके हुए हैं। तो स्वर्ण कपीला में तो ये मीणी गाय हुई? मीणी गाय, कई खासियत है इसमें। मीणी कई खासियत है, स्वर्ण कपीला भी है। हाँ, ठंडी भी है, ठंडी भी है, सारी चीज ओके है जी। और ये जो ओके ओके गाय है आपकी, उनमें ये डबल ओके है? ये डबल ओके है जी। हाइट में भी? हाँ जी हाँ जी, हाइट में भी। देखो जी मेरी 5'8" हाइट है। मेरी हाइट से थोड़ी कम है, थोड़ी कम है। ये बाकी गायों को देख के तुलना कर सकते हैं व्यूअर्स कि इस गाय की हाइट कितनी है। हाँ जी, मैं दोनों साइड से आपको गाय की हाइट भी कवर कर दिखा रहा हूँ। आप इसको मेजर कर सकते हैं और सामने आएंगे तब ज्यादा पता चलेगा। हाँ, सामने आएंगे तभी पता चलेगा। ये वीडियो में तो कोई इंची टेप लेके खड़ा नहीं हुआ जाता। हाँ जी हाँ जी, सामने आएंगे तब दिखेगी गाय कैसी है। कम्प्लीट डिटेल दे दो जी। ये भाई साहब दूसरी बार बच्चा देगी अब। हाँ, और ब्याने में अभी 15 दिन ड्यू है। 15 दिन बाकी है? हाँ जी। ठीक, कितने दूध वाली है जी? ये दूध पहले ब्यांत में 14 लीटर निकाला है जी। 14 लीटर पहले ब्यांत में? हाँ, अब की बार 16-17 लीटर दूध निकालेगी। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। और कीमत क्या रखी जी? कीमत इसकी, 95,000 रुपया जी। 95,000? हाँ जी, 95,000 रुपीज। 95,000। वैसे तो जी ये जो आपकी 1,25,000 रुपए वाली गाय आपने बताई है। हाँ जी हाँ जी, इसके मुकाबले की गाय है? इसके मुकाबले की है जी, इसके मुकाबले की गाय। दूसरा इसमें स्वर्ण कपीला और मीनी वाले गुण भी है। हाँ, सींग बिल्कुल लाल, सींग लाल और हिलने वाले, हिलने वाले और लाल, लाल और हिलने वाले। आंखें की भौहें भी लाल, नाक भी लाल। हाँ, और खुर भी लाल, खुर भी लाल, योनि द्वार भी लाल, पूंछ के बाल भी लाल। हाँ जी, इसीलिए तो स्वर्ण कपीला है, स्वर्ण कपीला है। जैसे वो पहले शुरुआत में 1 नंबर पे दिखाई है ब्लैक कपीला, उसमें सारे लक्षण ऐसे काले थे। देखो ऑर्डर बनाएगी अभी, बहुत ज्यादा ऑर्डर बनाएगी, ऑर्डर अभी और खुलेगा। हाँ जी, ठीक है जी भाई साहब, बिल्कुल शांत, शांत स्वभाव वाली है। हाँ हाँ, ये तो गाय बताइए जी। ये तो सोने पे सुहागा है जी। ये सोने पे सुहागा है। हाँ जी, क्योंकि स्वर्ण कपीला है, स्वर्ण कपीला है। ठीक है जी,
अगली गाय की भी डिटेल ले लेते हैं भाई साहब से। जो भी भाई आएगा ना, एक महीना यहाँ रह के तेल साड़ेगा ना, बाहर घूमेगा तो भी ऐसी नहीं मिलेगी। अच्छा जी, एक महीने का तेल खर्चा मैं दे दूंगा, ऐसी गाय बाहर से ढूंढ के निकाल के दिखा दे मेरे को, तब पता चलेगा, तब पता चलेगा भी यहाँ गाय है। हाँ ठीक है जी, इस गाय की और डिटेल दो जी। ये भी साहिवाल? ये भी साहिवाल दूसरे ब्यांत की, दूसरे ब्यांत की है ये। हाँ जी, ये दूसरे ब्यांत वाली है। हाँ हाँ। आपके पास तीसरे ब्यांत वाली एक ही गाय थी? तीसरे ब्यांत की एक गाय है जी, एक गाय। ये दूसरे वाली है? ये दूसरे की है। ठीक है जी, तीन गाय पहले ब्यांत वाली आ चुकी है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इसकी भी डिटेल दे दो जी। ये दूसरी बार बच्चा देगी जी, अभी 15-20 दिन ड्यू है। 15-20 दिन, बिल्कुल हेवी बड़ी गाय है, वजन भी अच्छा है, देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हैवी वजनदार गाय है, पूरी तगड़ी गाय। एक चीज और इसमें खास है। हाँ जी। बाकी गायों में कितनी खास है पता नहीं, लेकिन इसके ब्रिड वाले लक्षण 100% बाकियों से ज्यादा है। 100 से 101 जैसे इसका फेस है। हाँ हाँ। ऐसा फेस बहुत ही मुश्किल बहुत मिलेगा, कम मिलता है जी। जो 5-5 करोड़ की कोठियां घरों में लिए रहते हैं, वही ऐसी गाय पालते हैं। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि परवरिश बहुत जबरदस्त करनी पड़ती है जी। और जिस घर से आई ना, वो भी घर अच्छा है जी। अच्छा, तगड़े घर से आई है। हाँ, परवरिश उन्होंने भी अच्छी करी है, अच्छी परवरिश की है। हाँ, क्योंकि दूसरे ब्यांत में इतना वजन गाय का मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। हाँ, क्योंकि साहिवाल होती है वो छोटी उम्र की भी आ जाती है। हाँ, कम उम्र में भी आ जाती है, हाइट भी उसकी कम रह जाती है, इसकी हाइट भी अच्छी है, इसकी हाइट जबरदस्त। ये तीनों ही गायें जो आपकी है, एक लाइन में ये तीनों ही बड़ी बड़ी हाइट वाली है, बड़ी हाइट की है सारी, बड़ी हाइट वाली है। पहले वाली में बड़ा ऑर्डर आ गया है। हाँ जी, दूसरी वाली में मिनी और स्वर्ण कपिला है। हाँ हाँ। और तीसरी है शुद्ध साहिवाल, शुद्ध साहिवाल जबरदस्त फेस वाली। हाँ जी, अच्छे सीमन का उपयोग करके। हाँ हाँ, गजब गजब के बच्चे लिए जा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। दूध कितने वाली है जी? ये दूध ये निकालेगी जी 20 लीटर 20 लीटर दूध। हाँ जी, दोनों टाइम का मिला के। हाँ जी हाँ जी, 20 लीटर तक दूध क्षमता वाली गाय है। हाँ हाँ। और ये कितने दिन लेगी बताया जी? ये अभी 15-20 दिन निकाल, 15-20 दिन ले जाएगी। हाँ, 15 दिन अभी शेयर कर दो जी। कीमत इसकी? हाँ, इसकी कीमत 135,000 रुपये जी। 135,000 रुपये 35,000 रुपये तो यही आपकी सबसे ज्यादा कीमत वाली गाय है जी। हाँ जी हाँ जी, इस वीडियो में। हाँ हाँ, इस वीडियो में सबसे ज्यादा प्राइस वाली यही गाय है, यही गाय है, 135,000 रुपये। हाँ जी, कुछ मार्जिन रखोगे जी? थोड़ा बहुत मान सम्मान होगा जी। मान सम्मान होगा। हाँ ठीक है जी भाई साहब, क्योंकि गाय बहुत अच्छी है, गाय बहुत अच्छी है। हाँ जी, गाय बहुत लाजवाब है। हाँ हाँ। ऐसी गाय एक ही हो घर में तो भी बहुत है, बहुत है जी। चार बांधने से अच्छा है क्वालिटी की एक बांध ले, क्यों घर में आजकल 10 जी तो होते ही नहीं। आजकल फैमिली कितनी होती है, 4-5 आदमी होते हैं। हाँ, और 4-5 आदमी 20 किलो दूध तो पचा भी नहीं सकते, पचा भी नहीं सकते। हाँ, और देसी गाय का दूध तो 1 लीटर में 4 आदमी होते हैं। वैसे जी आज का टाइम ऐसा है, खुद खाने की बजाय दूसरों को खिलाने में ज्यादा विश्वास है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अपने परिवार रिश्तेदारों को अच्छा दूध नहीं भिजवा सकते, तो कम से कम घी तैयार करके भिजवा दे। हाँ, अच्छी गाय पाले तो। हाँ, अपने परिवार को घी तो तैयार करके अपने खुद के परिवार को। हाँ, खुद के परिवार को तो संभाला ही जा सकता है, नजदीक के परिवार को। ठीक है जी, अगली गाय की भी डिटेल लेते हैं भाई साहब से। ये पहली बार की है जी, ये पहले ब्यांत की साहिवाल है। हाँ जी ठीक है, ये भी बिना सींग वाली है जी। हाँ जी, बिना सींग की है। हाँ हाँ, सींग इसके भी ठपवाए हुए हैं। हाँ जी, ऑर्डर इसका बड़ा जबरदस्त है भाई साहब से। कंप्लीट डिटेल लेते हैं, कंप्लीट डिटेल दीजिए भाई साहब। ये पहली बार बच्चा देगी जी, पहली बार, फर्स्ट टाइमर है। हाँ जी हाँ जी, ये कितना टाइम लेगी? ये टाइम ले जाएगी अभी 15 दिन 15 दिन और ले जाएगी। हाँ जी, 15 दिन और बचे हुए हैं, तो ऑर्डर तो और जबरदस्त आ जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ऑर्डर तो अभी बनाएगी बेचारी, बनाएगी, साथ साथ चलाकर दिखा रहे हैं। हाँ हाँ। गाय की कदकाठी भी अच्छी है और साथ ही ऑर्डर क्वालिटी भी बेहतरीन है। कंप्लीट डिटेल भाई साहब से ले रहे हैं। दूध कितने वाली बताई जी? ये दूध 14 लीटर निकाल, 14 लीटर 7 लीटर एक टाइम का। हाँ हाँ। इतने दूध में पहले ब्यांत में आराम से आ जाती है गाय साहिवाल। थोड़ी सी ना अकेले घर में रही है जी ये। अच्छा, बड़ा घर था, खेत में मकान थे। हाँ। अकेले घर में रहती थी और लेडीज भी चारा डालती थी, तो आदमी इसके पास में नहीं गया, इसलिए डरती है थोड़ा, खुद डरती है। हाँ, डरती है, बाकी लात लोत नहीं मारती। जो डरेगी वो कहाँ से लात मारेगी जी? हाँ हाँ, ये तो जिनके स्वभाव में गर्मी होगी वो लात मारेगी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी भाई साहब। पहले ब्यांत की शुद्ध साहिवाल है जी, शुद्ध साहिवाल पहले ब्यांत में। हाँ, कीमत जी? कीमत इसकी 65,000 रुपये जी। 65,000? हाँ, 65,000 रुपीज। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। ये कम कीमत वाली गाय आ गई है। हाँ हाँ, पहले ब्यांत में है, 65,000 रुपये की गाय है। हाँ जी, और ये लास्ट में खड़ी हुई है जी, इसकी और डिटेल दो। ये साहिवाल दूसरे ब्यांत में ब्याएगी, ये दूसरे ब्यांत में ब्याएगी। हाँ, ये भी प्रेग्नेंट है आपकी गाय। हाँ, प्रेग्नेंट है। हाँ, अभी 1 महीना ड्यू है जी इसको। हाँ, अडर इसका भी शानदार है। हाँ हाँ। और अडर पर हाथ फिराते तो देखिए भाई साहब की सारी गायें ऐसी है। हाँ जी हाँ जी, ये देखने में ऐसे लगता है जैसे स्पेशल ढूंढ ढूंढ के लेके आए हो। हाँ, स्पेशल जो ठंडी ठंडी गायें हैं वही लेके आए।
गर्मी ज्यादा है तो गाय ठंडी लेके आए, ठंडी लेके आए, स्वभाव में गर्मी नहीं हो, मौसम की गर्मी चलेगी, स्वभाव की गर्मी नहीं हो। हाँ जी, अडर बहुत खूबसूरत है इस गाय का, दूध क्षमता भी जान लेते हैं, प्राइस के साथ साथ दूध क्षमता और बाकी ब्यांत की डिटेल भी दीजिए जी। हाँ, हम पे देखो जी गाय का, हम शानदार है, सींग वाली गाय है, सींग वाली गाय, ए टू क्वालिटी, तो इन्हीं से पता चलेगा जिस गाय में हम पो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ये कितने दिन लेगी बताइए जी? ये अभी एक महीना लेगी जी, एक महीना और ले जाएगी। हाँ, मालिक ने तो मेरे को 20 दिन 25 दिन बताए हैं। हाँ, लेकिन मैं 5 दिन फालतू ही मान के चलता हूँ। आप 5 दिन एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो? एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। हाँ, क्योंकि जो भाई लेके जाएगा वो ये ना बोले भाई तेरी गाय तूने एक 20 दिन बोले थे, एक महीना हो गया अभी आई नहीं। हाँ, तो आप एक महीने बता के देखो, 5-7 दिन 10 दिन तो एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि गाय भी 5-7 दिन एक्स्ट्रा ले लेती है, हर गाय की अलग अलग ब्याने के टाइमिंग रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनमें 5-7 दिन ऊपर या नीचे कोई भी समय हो सकता है। हाँ, बिल्कुल शांत स्वभाव की, बिल्कुल शांत स्वभाव के, स्वभाव भी परख कर भाई साहब दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ। एक एक गाय का स्वभाव परखा, आप खुद भी यहाँ आकर अच्छे तरीके से देखें, जांचे परखें, प्रेग्नेंट गायों की प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लें। सुंदर फेस है और शांत सरल स्वभाव है, मीडियम साइज के सींग है और बड़े साइज का हम्प है। हाँ जी, दूध कितना बताइए जी? 14 लीटर 14 लीटर दूध निकालेगी, 14 निकाल जाएगी। हाँ जी, कीमत क्या रखी जी? कीमत 51,000 रुपए जी, 51,000 रुपए, 51,000 रुपीज। हाँ जी, ये वाली है सबसे कम कीमत वाली, सबसे कम कीमत, ये दोनों गायें ही कम कीमत वाली है। देखो जी, अभी एक महीना बाकी है। हाँ, इसलिए 51,000 रुपए मांगे हैं। अच्छा, लेकिन जब तैयार होगी जब तो 65-70 हज़ार रुपए की है जी, वापिस उसी कीमत में आ जाएगी। हाँ, हाँ। तो ये नहीं माने कि गाय सस्ती होगी। हाँ, है, गाय सस्ती नहीं है, गाय सस्ती कभी नहीं होगी। हाँ, हाँ, क्योंकि कभी कभी भी डिमांड कम नहीं होगी। हाँ, हाँ। दूध तो भाई साहब जैसे जैसे दूध की कीमतें बढ़ रही है, तो देखो जी आज से 4 साल बाद में गाय जो अभी 1 लाख की है ना, 2 लाख की मिलेगी, कोई 2 लाख की हो जाएगी, 2 लाख की हो जाएगी। हाँ, क्योंकि साहीवाल गाय और देसी गाय तो मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। हाँ जी, हाँ, बहुत शानदार गाय दिखाई जी आपने। कई भाई कहते हैं कि ये रेट हाई मांग रहा है, रेट हाई नहीं मांग रहे। हाँ, बाहर से किसान को भी पेमेंट दे के आते हैं। हाँ, वो भी रेट लेते हैं जी, वो भी पूरा रेट। किसान ही आजकल मूर्ख नहीं है जो 50 वाली गाय अपने को 40 में दे देगा, कोई भी नहीं देगा जी, कोई भी नहीं देगा। सोना 60,000 रुपए तोला है, कोई भी 40,000 में नहीं देगा। हाँ जी, खोटी गाय और खोटा सोना सस्ते में मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, खोटी गाय और खोटी गाय लात मारने वाली हो तो वो किसान 20 वाली 10वीं दे देगा, 10वीं दे देगा, सभी पकड़ा देगा, उस गाय को सभी घर से निकालना चाहते निकाल देते हैं। ठीक है जी, लेकिन अच्छा सोना नहीं मिलेगा जी, अच्छा सोना नहीं मिला। लेकिन कुछ लोग जी गायों को सिर्फ सेवा के लिए पालते हैं। हाँ, सेवा दूध मायने नहीं रखता, दूध हर चीज का दूध मायने नहीं रखता जी, शोक और सेवा दोनों बड़ी है। गौ माता है जी, गौ माता के अंदर 64 करोड़ देवी देवता होते हैं जी। हाँ, तो गौ माता की सेवा भी करनी चाहिए और सारी चीज दूध भी नहीं होती। जैसी सेवा करेंगे वैसा गौ माता दूध दे देगी, वैसा दूध भी दे देगी। हाँ, और जिस भावना से सेवा करेंगे वैसा फल भी दे देगी, फल भी देगी। बहुत शानदार जी, आशा और उम्मीद के साथ अगले वीडियो का फिर से इंतजार रहेगा भाई साहब की शानदार शानदार गाय देखने के लिए। बहुत से कमेंट आते हैं जी, भाई साहब का वीडियो जल्दी से जल्दी लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राम राम जी भाई साहब। राम राम जी। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोपाल।